मिस्टर जना जब शादी के बाद हनीमून मनाने मालाबार हिल्स गए तो सिर्फ वॉशरूम की टाइल्स पर पचास हज़ार रुपये की लागत लगी लेकिन जब पाकिस्तान बनता है तो वही मिस्टर जना अपनी पूरे महीने की तनख्वाह सिर्फ़ दो रुपये मुख्त करता है आज के सियासददानों की तनख्वाह देख लीजिए सरकारी ख़ज़ाने से उनके लिए मोज़े मंगवाए गए पैर में पहनने के लिए और जब पता चला कि सरकारी खजाने से हैं, तो कायदे आजम रहमतल्ला ने कहा कि हमारी मीशत इतनी बेहतर हो गई है कि आप तुम लोग ये करप्शन करना शुरू हो जाओ इसे वापस करवाया जाए आपकी बहन मोहतरमा फातिमा जना शहीद रहमत वो शहीद कैसी हुई ये कहानी फिर से ही, लेकिन कायद आज़म शहीद रहमत भी फिर सही जब उन्हें पता चला कि मोहतरमा फातमा जना के दफ्तर के लिए एक कुर्सी और एक मेज़ सरकारी ख़जाने से मंगवाया गया है तो कायद अजम रहमत लाई ने बहुत बरहमी का इज़हार फरमाया और कहा कि सरकारी ख़जाने से कभी ज़ाती चीज़ें नहीं मंगवाई जाएंगी और उस कुर्सी और मेज़ को भी वापस भिजवा दिया गया अब आते हैं रूहानी एतबार से कायद अजम रम्है का मकाम क्या थामा शबीर अहमद स्मानी रहमत लाई जो कायद अज़म के बहुत बड़े मुखालिफ थे उन्होंने ही काजा अज़म की नमाज़ जनाजा पढ़ाई जब पूछा गया कि जनाब आप तो बहुत बड़े मुखालिफ़ थे आपने क्यों नमाज जनाजा पढ़ाई तो काद अजम रमत के बारे में कहते हैं कि हाँ मैं ज़रूर था लेकिन ख्वाब में मुझे रसोल्लातम की ज्यारत नसीब हुई साथ मिटर जनाह मौजूद थे आपलम ने इशारा करके इनकी तरफ़ फरमाया कि मेरा सिपाही है इससे ख़यनत ना करना खानाफ कल्लात रमोतल्ला जिनके पास कायद अज़म कई मरतबा गए कि आप पाकिस्तान की हमायत करें वो तैयार नहीं थे लेकिन अल्लाह के फैसले होते हैं वही ख़ानफ कल्लात सबसे बड़े हामी बने पाकिस्तान के जब पूछा गया कि आप क्यों हामी बने तो कहते हैं ख्वाब में हजूर अलैहिस्सलाम की ज्यादा नसीब होती है और आप फरमाते हैं देर इज़ बीइंग मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम एंड यू आर ट्राइंग टू बी एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बन रहा था तो मुझसे खयानत कर रहे हो कहते हैं मुझ पर लाजम हो गया पाकिस्तान की हमायत करूँ लेकिन कायद रहमतुल्लाह रमत की जहाँ तक बात है तो हम आज पच्चीस दिसंबर को यही कह सकते हैं कि कायद हम शर्मिंदा हैं जिस नज़रिए पे आपने मुल्क हासिल किया था वहाँ अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले और उनकी औलादें काबिज रहीं आपकी बहन का इंतबी निशान लालटेन हुआ करता था और उसी को एक कुतिया के गले में बांध के कराची की सड़कों पे और गुजरावाला की सड़कों पे घसीटा गया और उसको मोहतरमा फातमा जना से तशबी दी गई कौन सी ऐसी नंगी गालियां हैं जो कायद अजम की बहन को नहीं बकी गई थी जब वो सदारती इलेक्शन में थी ये सब कहानी फिर सही कौन सी एम्बुलेंस कायद अज़म को दी गई थी और वो दोलताले वगैरह जो आते थे और पूछा करते थे और एक और साहब भी जो वज़ी अज़म रहे जो पूछा करते थे डॉक्टर से कि कियद अजम की सेहत कैसी है माई ब्रदर उस किताब में मोहतरमा लिखती हैं जिस किताब पर पाबंदी आयद कर दी गई डॉक्टर झड़क देता था कि दफा हो जाओ मोहतरमा कहती थी इनका तो बड़ा रोल है तहरीक आज़ादी में वर्माते नहीं आपको नहीं पता ये सेहत पूछना नहीं चाह रहे पूछना चाह रहे हैं कितने दिन रह गए न कब मरेगा अल्लाह त पाकिस्तान को हकीकी महीनों में आज़ाद रियासत बनाए और कायद से हम वादा करते हैं कि इन श्ला हम इस पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएंगे अपने फ़ैसले खुद करेगा और पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाएंगे कि उम्मत मुसलिमा की उम्मीदों का मरकज़ महवर जो था वो शायद अब नहीं रहा लेकिन दोबारा बनेगा और दुनिया में होने वाले तमाम मुसलमानों के साथ जो मजालिम है उसका बदला भी पाकिस्तान ले गए ताला। बाकी अलाना जो हमारे हैं वो छः एक महीनों का इंतज़ार करें पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद